Hello there, everyone. So today, take out your books, Mridang. Open to page number 54 and let's do a new chapter, The Cap Seller and the Monkeys. Once there was a man who sold caps. He carried many caps in a basket on his head. He was a cap seller. Ek bari ek aadmi tha, jo topiyan bechta tha. Wo apni tokri mein खूब सारी टोपियाँ लेके सिर पर रख कर उनको बेचने जाता था। वो टोपी बेचने वाला था, वो कैप सेलर था। One day he slept under a tree. There were monkeys on the tree. They came down from the tree. They took all the caps. एक दिन जब वो अपनी टोपियाँ बेचने जा रहा था तो उसको नींद आई। वो पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे और वो पेड़ से नीचे उतरे और उसकी टोपियों को लेके चले गए। द कैप सेलर वोक अप। ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव। द मंकीज वर वेयरिंग द कैप्स। जब टोपी बेचने वाले की कैप सेलर की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी टोकरी तो बिल्कुल खाली है, उसमें टोपियां थी नहीं। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने ऊपर देखा। उसने देखा कि बंदरों ने उसकी टोपी पहनी हुई थी। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट एट द मंकी। दे ऑल्सो डिड द सेम। द कैप सेलर क्रैश्ड हिज हेड। द मंकीज डिड द सेम। कैप सेलर ने गुस्से में मुक्का हिलाते हुए उनको दिखाया और उसने देखा कि मंकीज भी बंदर भी वही कर रहे थे। उसने अपने सिर को खुजाया, बंदरों ने भी अपने सिर को खुजाना शुरू कर दिया। द कैप सेलर हैड एन आइडिया। ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट। कैप सेलर को एकदम से एक आइडिया आया। उसने क्या किया, अपनी टोपी उतारी और उसने फटाफट जोर से अपने बास्केट के अंदर उस टोपी को फेंक दिया। The monkeys did the same. The cap seller got all these caps back and went home happily. बंदरों ने भी उसको देख के वही किया। उन्होंने भी अपनी टोपी निकाली और जोर से उसको बास्केट के अंदर, टोकरी के अंदर फेंक दी। तो इस तरह से कैप सेलर को सारी की सारी टोपियां मिल गई और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। So children, I hope you have understood this chapter. Read it nicely and if you have any problem, get back to us. Keep smiling, stay blessed.